और अब बात करेंगे उन्नत झारखंड की। तो विकास की तरफ अग्रसर झारखंड लगातार बदलाव की नई इबारत लिख रहा है। सरकारी सुविधाएं दिनों दिन बेहतर होती जा रही हैं और सूबे के लोग भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझने लगे हैं। इसकी वानगी उस समय दिखी जब हरमू बाईपास पर दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे के चंद मिनट में ही सरकारी मदद पहुंच गई। सड़क दुर्घटना में युवक को चोट आई। युवक कुछ समझ पाता उससे पहले एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। एम्बुलेंस के अंदर ही युवक का इलाज हुआ। दरअसल ये सब मुमकिन हो सका डायल 100 की वजह से। दुर्घटना देखकर किसी शख्स ने फौरन डायल 100 पर कॉल किया। कंट्रोल रूम हरकत में आया और इलाके में मौजूद एम्बुलेंस को घायल युवक के इलाज के लिए मौके पर भेजा गया। सिटी कंट्रोल फोन किया और हम लोग वहाँ से आए, थाना से यहाँ आए। यहाँ देखे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ हम लोग तुरंत फर्स्ट एड किए। उसके बाद उसको बोल रहे हैं जाने के लिए अस्पताल, तो नहीं जा रहा है। मतलब ठीक है, हाँ, मतलब हल्का फुल्का चोट लगा है। रघुवर सरकार के प्रयास से ये सब मुमकिन हो सका है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक बाइक चलाने वाले युवक ने हेलमेट पहना था, लिहाजा उसे मामूली चोटें आईं। लेकिन बाइक के पीछे बैठने वाले ने हेलमेट नहीं पहना था। मेरे आने पर तो काफी यहाँ पर भीड़ लगा हुआ था, तो देखे कि एक एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद किसी ने कॉल किया, तो सरकारी व्यवस्था अच्छा है, इस वजह से तुरंत यहाँ पे गाड़ी आ गया और आने के बाद तुरंत उनका उपचार हो गया। अब आपको बताते हैं कि डायल 100 काम कैसे करता है। दरअसल झारखंड में डायल 100 का कंट्रोल रूम रांची में है। सभी कॉल रांची कॉल सेंटर में जाते हैं, वहां से संबंधित जिले को कॉल जाता है। जिले के कंट्रोल रूम से थाने को सूचना मिलती है और जनता की शिकायत को जल्द अटेंड करने की कोशिश की जाती है। शहरी क्षेत्रों में पुलिस 15 मिनट में पहुंचती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 25 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है। ये तो सरकार का इंतजाम है, थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है। सड़क पर सावधानी बरतें, नियमों का पालन करें और जरूरत पड़े तो डायल 100 की मदद जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ